सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम गप्पे फिश का अपडेट वीडियो देखने वाले, अपडेट तो चला गया, अपडेट वीडियो देखने वाले। काफ़ी ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव आए थे, काफ़ी ज़्यादा इस पर परेशानी भी आई है। कुछ चीज़ें भी मैंने समझी और कुछ आपको भी इसमें देखना पड़ेगा। आप वीडियो देखो, आपको भी समझ में आएगा। कुछ चीज़ें मुझे भी समझ में, मुझे क्या चीज़ नहीं करने वाली थी, कुछ ऐसा बीच में हुआ कि मुझे कई काम से, मुझे काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ा, तो 3-4 दिन में इनका वीडियो शूट नहीं कर पाया। उस समय काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी जो मुझे ध्यान देना चाहिए था, बट काफ़ी चीज़ों ये, तो फटाफट से अपडेट शुरू करते हैं। अपडेट देखो फटाफट से, चलो। यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं, अभी मैंने फिशेज को इसमें ऐड कर दिया है। इसमें एक मेल और एक फीमेल है, इस तरह से इसमें दो पेयर है, और इसमें भी एक मेल और एक फीमेल, इस तरह से इसमें भी दो पेयर है, देख सकते हैं। ये देखो, ये लोग मस्त पत्तों के पीछे घूम रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट हाँ स्टिल घूम रहे हैं, देख रहे हैं। चलो ये देख सकते हैं, ये लोग भी इधर घूम रहे हैं, देख सकते हैं। डे सेकंड हो चुका है और हमारे जितने भी गप्पी से जो हमने इसमें डाले थे वो सब सेटल डाउन होना शुरू कर चुके हैं। अब वो अपने घर को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो हमारे प्लांट्स भी है वो काफी अच्छे ग्रो कर चुके हैं, देख सकते हैं। थोड़े से और वो ग्रो करेंगे, थोड़ा सा और यहाँ पे लश ग्रीन हो जाएगा, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर लूँ, वाटर भी चेंज करेंगे इसका जल्दी ही। दैट इज डे 3 और आज हम इसका करने वाले वाटर चेंज। 2 दिन में हर 3 दिन के बाद इसका वाटर चेंज कर रहा हूँ, ताकि जो भी इसमें अमोनिया है या फिर जो भी इसमें गंदगी वो सब बाहर निकल जाए और फ्रेश वाटर फिशेज को मिले, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए ये चीज करना बहुत जरूरी होता है। देख सकते हैं मैं इसका ज्यादा परसेंट वाटर नहीं चेंज कर रहा, मैं 30% ही वाटर चेंज कर रहा हूँ। फटाफट से वाटर चेंज करके मैं इसमें पानी भर रहा हूँ, टैप वाटर, डायरेक्ट टैप वाटर यूज कर रहा हूँ, बट एंटी क्लोरीन भी इसके बाद में इसमें डाल दूंगा। तो आप भी इसमें जब भी आप वाटर चेंज करो तो इसमें एंटी क्लोरीन जरूर से डालना, और उसके साथ में हो सके तो आप आलमंड लीफ का भी यूज कर सकते हैं, जिससे बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होगा और हमारा पानी भी थोड़ा सा पीएच भी मेंटेन रहेगा। सो डे 4 हो चुका है, आज 4th दिन था और मैं पीछे आया, बट स्टिल यहाँ देख सकते हैं हमारी एक गप्पी फिश, इसकी अभी डेथ हो चुकी है। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, वाटर पैरामीटर सब कुछ ठीक है, ये क्यों हुआ होगा आई डोंट नो, बट स्टिल देख सकते हैं ये हमारी गप्पी फिश डेथ हो चुकी है। सो ये देख सकते हैं आज के डे में हम इनको देने वाले थोड़ा सा लहसुन, सारे लहसुन बोलते हैं, हाँ लहसुन। देख सकते हैं जो लहसुन है इसको हम इस कटोरी में डालेंगे और इसको यहाँ पे अच्छे से मैश कर देंगे, ज़्यादा नहीं, ऐसा है बस, यहाँ पे ऐसा थोड़ा मैश कर देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फीड लेंगे और इसमें ऐसा डाल देंगे, थोड़ा सा फीड इसमें इतना डालेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस काफ़ी है। और इसी टैंक का थोड़ा सा इसमें पानी लेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे ताकि ये अच्छी से इसमें सोख हो जाए, उसके बाद में हम अपनी फिशेस को ये देंगे। A few moments later. तो देख सकते हैं अभी जो हमारा ये फीड है ये पूरा पानी एब्जॉर्ब कर चुका है जो भी हमने लहसुन इसमें डाला था। तो चलो थोड़ा सा फीड करते हैं फिशेस को इसको। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा फीड डाल दिया है, अब ये लोग आके खुद ही इसको खाने लग जाएंगे जैसे जैसे इनको स्मेल आने लग जाएंगी। तो मैंने लहसुन इसलिए यूज किया है ताकि इनके पेट में जो भी मतलब जो भी कीड़े पैदा हो जाते हैं या फिर जो भी इल्यूलिन के जो भी वॉर्म्स हो जाते हैं इनको, तो वो वॉर्म इनको ना हो पेट में और इनका पेट एकदम जो बोलते हैं ना डाइजेस्ट सिस्टम जितना अच्छा रहेगा फिशेज का, तो ये फिशेज उतनी हेल्थी रहेगी। तो जस्ट बिकॉज इसलिए मैंने इसका यूज किया। डे 6 में आप सबका स्वागत है, और ये देख सकते है हमारे जो प्लांट्स कुछ इस तरह से ग्रो हो रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनका अपडेट क्यों दे रहा हूँ, मुझे फिशेज का अपडेट देना चाहिए। तो फिशेज भी देख लो, फिशेज भी हेल्थी है और घूम रही है, बट थोड़ा सा प्लांट की तरफ भी देखो कि प्लांट भी कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। नो CO2, नो फर्टिलाइजर, बट फिर भी देखो प्लांट कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं, कितने अच्छे इनकी आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज पता है बस एक रीजन है जो प्लांट इतने अच्छे ग्रो हो रहे हैं, वो सिंपल सा रीजन है वाटर चेंज। हर 3rd दिन जो मैं वाटर चेंज कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा ऑक्सीजन इनको मिल रहा है, थोड़ा सा उनको CO2 मिल रहा है, इसलिए देखो प्लांट कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो देखो किस तरह से प्लांट ग्रो हो रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो यार, मेरे को ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा लगा इसलिए मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो यार, एक बार ये CO2 के प्रेजेंट में ही ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, तो कितना प्यारा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। यहाँ पे इसको हटा के दिखाओ, देखो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस तरह से प्लांट यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, देखो इसका स्ट्रक्चर कितना प्यारा दिख रहा है। उसको थोड़ा सा हटाते हैं, हमारा ये कोकुम्बा देखो कितना प्यारा दिख रहा है। इसका लीफ का स्ट्रक्चर देखो बहुत प्यारा दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि, और ये देखो इनको देखो।
फिशेज भी कितने मस्त तरीके से घूम रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ऑफ द डे। पता नहीं कौन सा डे है आज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी इसमें जैसे कि जो फीमेल दिख रही है आपको वहाँ जो घूम रही है, मुझे लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। रुको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कांच में। हाँ अभी शायद आप देख सक रहे होंगे, देखो यार। तो इस फिश का देखते पेट फूला हुआ है, ये देखो। सो हमें बहुत जल्दी शायद बच्चे देखने के लिए अब मिलेंगे, क्योंकि इसका देख सकते हैं किस तरह से पेट फूला हुआ है, ये देखो। सो ये देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक, और हमें शायद अब बहुत जल्दी बच्चों के दर्शन भी होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है जैसे देख सकते हैं। चलो इसको वापस ही इसके घर में छोड़ देते हैं। दिस इज डे, पता नहीं कौन सा डे चल रहा है, बट गुड मॉर्निंग सबको। नेक्स्ट डे हो चुका है और आज हम अपने फिशेस को कुछ प्रोटीन वाला खिलाना चाहते हैं। सो ये अंडे का योग बोलते हैं, जो अंडे के अंदर होता है योग, वो पार्ट है। अब हम ये अपने फिशेस को देंगे, डालते अपने फिशेस को, देखते हैं कैसा रिएक्शन क्या है इनका। यहाँ डालते हैं थोड़ा सा फिश। सो दे आर लाइक इट, इनको पसंद आ रहा है ये योग। कुछ देख सकते हैं इस तरह से ये लोग खा रहे हैं, मतलब इनको पसंद आ रहा है, थोड़ा सा और दे देते हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालूंगा मैं। सो इनको ये पसंद आ रहा है, इनसे इनको काफी अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। थोड़ा सा इधर वालों को भी दे देते हैं, ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा इंच, इतना बहुत है, ये देखो। इनको भी अच्छा लगा खाना, इन लोगों ने किया शुरू। इससे हमारी फिश हो जाएंगी मस्त, देख सकते हैं। बट इसके बाद वाटर चेंज करना पड़ेगा हमको, ये जरूरी है, वरना गंदगी फैलेगी और अमोनिया बिल्डअप होगा। तो अगर आप कुछ भी इस तरीके का लाइव वॉर्म या फिर उसको जैसे एग वाइट हो गया, लाइव वॉर्म्स हो गए, या फिर जो भी ऐसा खाना दे रहे हैं, तो उनके बाद उसको वाटर चेंज करना बहुत जरूरी है। सो दैट्स अ डे। और यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ ये चीज कि यहाँ पे जो देख सकते हैं जो ये मेल है, ये कंटिन्यूसली अभी भी फीमेल से मैं पेड़ देख रहा हूँ, जैसे फीमेल दिख रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो। जैसे आप ये फीमेल्स का पेड़ देख रहे होंगे, तो इनका पेड़ फूल चुका है, आई थिंक कि उसमें बच्चे हैं, और ये जो जो ये मेल है, ये कंटिन्यूसली उनको चेसिंग कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है कि मेरे फिशेस मर भी जाए। जैसे देखो ये चेसिंग कर रहे, देखो जैसे देख रहे हैं कि बार बार वो उस फीमेल के पास जाके उनको चेसिंग कर रहा है। उसमें भी कुछ सेम तरीके का रोल चल रहा है, दोनों में यही कहानी चल रही है। तो मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से, मतलब इसमें जितने भी मेल है, इन सारे मेल्स को यहाँ से हटा के इनके वापस पुराने घर में वहाँ उसमें शिफ्ट कर दूंगा, ताकि हमारे फीमेल्स को कोई परेशानी ना हो। जैसे वो देखो, देखो उसके पीछे भी पड़े हैं, तो चलो ये वाला काम फटाफट से कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने नेट ले लिया है, अभी इसी में पकड़ेंगे मच्छियां। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक को हमने पकड़ लिया, उसको वहां पे लाएंगे और उसके घर में वापस से वहां शिफ्ट कर देंगे इसकी। यहाँ पे अपने घर में वापस चला गया है। सो अभी फिलहाल देख सकते हैं पानी थोड़ा सा गंदा हो गया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो पकड़ में नहीं आया, तो मुझे ये सब चीज़ें बाहर निकल वापस से शिफ्ट करनी पड़ी। बट हाँ, मैंने इनमें से सारी मेल्स को अब निकाल के उसमें शिफ्ट कर दिया है, अब बस इसमें फीमेल्स ही है दोनों में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो फाइनल देख सकते हैं ये है उसका दूसरा दिन, और उसके बाद देखो यार, इसमें अब देख सकते हैं
मुझे इसमें थोड़े से बच्चे दिख रहे हैं और इसमें भी बच्चे दिख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी तो उनकी मम्मी उनके पीछे भाग रही थी तो वो इसमें छुप रहे हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे एक घूम रहा है, देखो कितना छोटा सा है, ये यहाँ पे देखो घूम रहा है, कितना छोटा सा है। इसमें और भी सारे है, वो देखो शायद वो टॉर्च बंद करना चाहिए, हाँ शायद अब दिख रहे हो, देखो वो देखो यार यहाँ पे भी एक घूम रहा है और भी। सो इसमें काफी सारे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी बच्चे घूम रहे हैं। सो मैं क्या करने वाला, अभी आपको अच्छे से इसमें दिख रहा है क्या नहीं, तो मैं एक कंटेनर लेने वाला और कंटेनर में इस दोनों के बच्चे को मैं बाहर निकल दिखाता हूँ कि मैंने कितने सारे मैंने बच्चे पकड़े है, रोज मैं कंटेनर दिखाता हूँ। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में से मुझे जितने भी अभी बच्चे मिले, क्योंकि मैंने शायद ध्यान नहीं दिया और इनकी गप्पी इसने काफ़ी सारे बेबीज इन्होंने खाए भी है, क्योंकि इतने तो नहीं होते, फिर भी काफ़ी सारे इन्होंने बेबीज खाए हैं, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैंने थोड़ा पहले देख लिया था क्योंकि मैं नहीं दे पाया, मैं किसी काम से बाहर चला गया था, तो शायद इन्होंने काफ़ी सारे बेबीज खा लिए, नहीं तो हम और भी बेबीज बचा पाते। तभी मैंने फटाफट से देखा और इन सबको निकाला है, तो आप ये देखो अभी सभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने इन सब टब में से बेबीज को बाहर निकाल लिया है। वैसे इन टब में से काफ़ी मुझे ज़्यादा झंझट लग गया इनको निकालने में, बट स्टिल ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें इसलिए लिखा था कि आप इनको अच्छे से देख पाओ, तो ये देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी मैंने इनको गिना नहीं है कितने हैं, बट इनकी क्वांटिटी मुझे देख के लग रहा है कि ये 50-60 तो है, 50-60 तो है कम से कम, मिनिमम तो भी 50-50 प्लस बच्चे तो है इसमें अंदर में, देख सकते हो। तो आज मेरे साथ कुछ अलग हुआ है, बहुत टाइम के बाद मतलब इतनी खुशी हुई, आप देख सकते हो, क्योंकि गप्पी ब्रीडिंग में कर रहा था, जैसे देख सकते हो इसके अंदर, देखो कितने सारे बच्चे, देखो आप सब देख पा रहे होंगे इसके अंदर, देखो कितने सारे बच्चे, देखो। सो गप्पी ब्रीडिंग फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है, इसका भी वीडियो जल्दी आ रहा है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, मैं मिलता हूँ आपको इनके साथ में, देखो कितने सारे बच्चे, मैं मिलता हूँ इनके साथ में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके रखना फटाक से, चलो मिलते हैं।